चुनाव के मौसम में हेलीकॉप्टर आसमान में खूब चलते हैं और उसे देखने के लिए अमूमन भीड़ लग जाती है। एक तरफ जो नेता होते हैं चुनावी भाषण में निकलते हैं उन्हें देखने के लिए तो भीड़ लंबी होती है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी भीड़ होती है जो केवल हेलीकॉप्टर देखते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते हैं, चौपर कैसे उड़ते हैं, और वो जब पटना के जो हवाई अड्डे हैं यहाँ से अपने नेता को लेकर जब बिहार के अन्य जगहों पर जब चुनाव प्रचार के लिए जब नेता वहाँ पहुँचते तो वहाँ उनके लिए एक तरफ तो नेताओं के लिए बड़े मंच का व्यवस्था होता है, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था होती है, लोग होते हैं जो उनके भाषण सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर यानी जो चौपर होते हैं उनके लिए भी एक टीम होती है जो प्रॉपर उनके लिए पटना से ही पेट्रोल यानी फ्यूल लेके यहाँ से जाती है। वो गैलन ये है जो गैलन में दिख रहा है जिसमें लिखा हो कि ए वी गैस, यानी ये सीधे तौर पर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये जो ड्रम अभी खाली हैं लेकिन इन्हें भरा जाएगा और भरने से लेके इन्हें हेलीकॉप्टर में डालने तक लंबी प्रक्रिया और काफ़ी सावधानी बरती जाती है। कहा जाता है कि एक एक चीज़ काफ़ी जांची परखी जाती है। पटना हवाई अड्डे से जो पेट्रोल पंप है जिसके जहां से ईंधन सीधे तौर पे वहां जाता है विमान में डाला जाता है, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर में डाला जाता है, तो उस प्रक्रिया में काफ़ी जाँच की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी सावधानीपूर्वक होती है और उसमें के लिए कई ट्रेंड लोग लगाए होते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं कि यह ड्रम भले ही देखने में साधारण लग रहे हैं लेकिन यह जो ड्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है चुनाव के मौसम में, क्योंकि इसी ड्रम में जो ईंधन है यहाँ से भर के पटना से बाहर जाएगा और जो नेताओं के चौपर उन इलाकों में उतरेंगे वहाँ उन्हें ईंधन भरा जाएगा, उसके बाद वो फिर दूसरे जगह अपना चुनावी अभियान में जाएंगे। किस तरीके से इस पूरे चौपर में जो फीलिंग होता है, किस तरह से ईंधन डाला जाता है और किस तरह की सावधानी होती है चुनाव के समय पर खासतौर पर, हम जानते हैं। हमारे साथ सुनील ओझा हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, इसकी टीम है। आखिर इस पेट्रोल को क्या बोलते हैं जो ईंधन डाला जाता है हेलीकॉप्टर में, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे एक्चुअली में इसको JT1 फ्यूल बोलते हैं हम, ATF होता है, प्योर केरोसिन बेस होता है, जो हमारे बड़े बड़े जहाज़ों में भी जो पड़ता है वही फ्यूल हमारे यहाँ भी वो पड़ता है जी सर। अच्छा, इसे भरने के लिए किस तरह की सावधानी होती है, फिर कैसे आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, क्योंकि इसको तो फिर आप सीधे हेलीकॉप्टर में डालते नहीं हैं, आप अलग अलग चुनावी सभाओं के बीच लेके जाते हैं, किस तरह की सावधानी होती है, किस तरह की जाँच होती है, क्या प्रक्रिया होता है? सबसे पहले हम अगर फ्यूल को लेते हैं, ATF को लेते हैं, तो हम इससे पहले जो ड्रम होता है एक्चुअल में हेलीकॉप्टर के लिए, किसी भी चॉपर के लिए, हम कहीं भी अगर फ्यूलिंग के लिए जाते हैं, अदरवाइज़ ये इलेक्शन ना हो कहीं भी कोई भी रीजन हो, उसके लिए ये हम ड्रम का यूज़ करते हैं। और ये जो ड्रम होता है वो सेटिस्फाई होता है, ये पहले ड्रम दिल्ली जाता है, दिल्ली से सेटिस्फाई होता है, हमारे कंपनीज को सेटिस्फाई करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी सेटिस्फाई करता है इसको। उसके बाद जैसे कि अभी बिहार में पटना में चुनाव है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर आएँगे, हमारा बैरल आएगा वहाँ से दिल्ली से ट्रांसपोर्ट हो गए, फिर हम जैसे कि यहाँ पे इंडियन ऑयल है एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे हम वहाँ पहले जाते हैं फ्यूल के लिए, फ्यूल के लिए जाएंगे तो हमारा कंपनी से कोऑर्डिनेट वहाँ पे पहुँचा रहेगा, इंजीनियर पहुँचा रहेगा, हमें कितना फ्यूल लेना है क्या लेना है सब हम वहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें एक मतलब फ्यूल जब लेते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले जो वही सावधानी बरतना है, फ़ोन ऑफ रखना है, शूज़ पहने होने चाहिए, कोई रडार में ऐसी चीज़ ना, सिगरेट बीड़ी माचिस ये सब का हम लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो फ्यूल कंपनी है उसे हमसे फ्यूल लेते हैं, पहले ड्रम का हम जाँच करते हैं, ड्रम जाँच हो जाएगा उसका फ्यूल इसमें डालेंगे, फिर फ्यूल को लेकर सैंपल लेते हैं हम, फ्यूल सैंपल क्लियर होता है एक बार लेंगे सैंपल, फिर दूसरी बार सैंपल लेंगे, फिर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इसको ड्रम को भरते हैं, ड्रम के भरने का अभी ये खाली में है इसको भरेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे सील करते हैं, यहाँ भी सील रहेगा, फिर जब ये दोनों जगह पे सील हो जाएगा हमारा तो फिर हम इसको वहाँ से लेके आएंगे। फिर जब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फ्यूल डालेंगे चॉपर में, वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ भी एक बार सबसे पहले डालने से पहले एक बार फ्यूल की जाँच होती है, एक सैंपल लिया जाएगा 10 लीटर के से कैन में एक रखा जाएगा, फिर उसमें से 1 लीटर सैंपल लिया जाएगा, उसमें हमारा कुछ प्रॉपर टूल्स वगैरह होता है, कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिसको डाल के हम चेक करते हैं, वहाँ पे पायलट इंजीनियर अगर सेटिस्फाई हैं तो इस ड्रम का यूज़ करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसमें थोड़ा भी अगर जैसे कि डस्ट वगैरह आ रहा है या थोड़ा भी 0.5 ml भी अगर पानी का मात्रा आ रहा है तो हम इसको मतलब यूज नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा ड्रम लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा अपना टैंक लेके चलते हैं। अच्छा, एक चॉपर में जो फ्यूल डालने की प्रक्रिया होती है या फिर जिस जगह पे, क्योंकि वो तो रूरल एरिया होता है, खेत होता है, गांव का इलाका कस्बा होता है, वैसे जगह पर किस तरह की सावधानी आप लोग बरतते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जो हेलीकॉप्टर या चॉपर को देखने के लिए भी आते हैं, तो उनसे किस तरह की सावधानी होती है या फिर या लोकल प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद मिलता है? जी, अब जहाँ तक हम जाते हैं लोकल प्रशासन से हमें मदद मिल जाता है और जो भी टीम रहती है चुनाव का या फिर जो भी हमारे फोर्स पहुँचे रहते हैं उनसे सिक्योरिटी रहता है, उनसे हमारे कोई दिक्कत नहीं होता है। एक एरिया बंधा होता है किसी भी चीज़ के लिए, एक एरिया होता है जैसे चॉपर जहाँ पे आएगा आपने देखा होगा एक राउंडिंग होता है,
एच लिखा होता है, एक साइनिंग होता है जहाँ पे चॉपर आएगा, हेलीकॉप्टर हमारा आएगा, उसके बाद उस एरिया में हम लोगों को एंटर नहीं करना है। चॉपर जब आएगा उसके बाद, और कुछ टाइम होता है कि चॉपर उतरने के बाद अगर हमारा वीआईपी जो भी आ रहा है, वीआईपी जैसे उतरेंगे उसके बाद हम इस फ्यूल का यूज करेंगे, तो सबसे पहले पायलट हमें बताएगा, ऑन डिमांड बताएगा कि कितना हमें बैरल चाहिए। फिर हम, एक इंजीनियर आएगा, इंजीनियर से हम मिलेंगे, इंजीनियर हमारा प्रोसेस देखेगा, कार्ड देखेगा, सब कुछ देखेगा, उसका फ्यूल देखेगा, फ्यूल का जांच होगा, अगर फ्यूल सेटिस्फैक्ट्री हो जा रहा है तो हम फ्यूल डालते हैं। अच्छा, फ्यूल क्योंकि हेलीकॉप्टर जब उड़ के जाता है तो काफ़ी इंजन गर्म होता है, कहा जाता है, तो उसमें क्या कुछ सावधानी बरती जाती है कि क्या ठंडा, क्योंकि गर्माहट से फिर खतरा भी बना रहता है। एयर कूल सिस्टम लगा रहता है, जैसे इंजन कट ऑफ होने के बाद या इंजन रन डाउन करते हैं हम, उसके बाद हमारा चॉपर जब रुकता है तो कूल डाउन हो जाता है। और फ्यूलिंग के लिए जो प्रोसेस है, दो तरह का फ्यूलिंग होता है, एक ओवर टैंक होता है, इनर टैंक होता है, एक प्रेशराइज होता है, एक ओवरविंग होता है। तो जो हम लोग करते हैं वो ओवरविंग होता है, जैसे बड़े बड़े जहाज़ों में क्या होता है, प्रेशराइज होता है, उसमें इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतना पड़ता है, लेकिन उस लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सावधानी अपने से प्रोवाइड करते हैं। इस ड्रम से फ्यूल हेलीकॉप्टर में किस तरह के सजाता है, क्या तकनीक होती है ले जाने की, क्या जैसे कि आमतौर पर हम दो देखते हैं कि हमें अगर पेट्रोल की जरूरत है या किसी चीज़ की, तो हम तो इसमें पाइप डाल के निकाल लेते, लेकिन हेलीकॉप्टर को या चॉपर को डालने के लिए, फिर उसमें डालने के लिए किस तरह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? एक मोटर लगा होता है, और उसके बाद हम एक पाइप का जरिए यहाँ पे मोटर फिट करते हैं, और एक दो पुली होता है हम लोग का, जो पुली अटैच होता है, जो पुली होता है वो भी अप्रूव होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव होगा। पुली लगाएंगे, फिर वहाँ पे बैरल लगाएंगे, एक जो होज होगा वो लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्वांटिटी मेजर होगा, स्पार्किंग के लिए हम कनेक्शन करेंगे, फिर जो जिस गाड़ी से जा रहा है, जिस वैन से जा रहा है, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे मोटर का, ठीक है, और एक अर्थिंग बॉन्डिंग करेंगे, और फिर हम फ्यूलिंग करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आसमान में उड़ते चौपर भले ही नेताओं की शोभा शान शौकत हो, लेकिन जब वो ज़मीन पे उतरते हैं या फिर वह आसमान में उड़ान भरते हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई तरीके से सावधानी और जांच करनी पड़ती है, और ईंधन भरने के लिए जब हेलीकॉप्टर एक बार अपने ईंधन को भर के पटना से उड़ता है, तो फिर अगले जगह पर ईंधन का व्यवस्था किया जाता है, ईंधन रखा जाता है कि कब उन्हें ज़रूरत पड़ जाए, और ईंधन भरने की लंबी प्रक्रिया है। तो मन कह सकते हैं कि चुनावी मौसम में ऐसे जो ड्रम है आपको कई जगहों पर मिल जाएगा, कई ऐसे जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर या चॉपर के अंदर जो हो गया उसके अंदर फ्यूल भरते हुए भी दिख जाएंगे। तो मन कह सकते हैं कि चुनाव में न्यूज फॉर्मेशन में पहली बार आपको यह बताने की कोशिश की है कि कैसे हेलीकॉप्टर में फ्यूल डाला जाता है। सो योगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज फॉर्मेशन, पटना।